नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सुनीता सिंह और मेरे चैनल सखी सहेली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक और इंटरेस्टिंग सा गेम लेके आई हूं, जिसके लिए चाहिए ताश के 52 पत्ते, जिसमें से चार हमने निकाल लिया है, काला पान, चिड़ी, लाल पान और ईंट के एक एक पत्ते मैंने यहाँ रख लिए हैं। और ये देखिए प्रिपरेशन में नीचे 12 12 चारों जगह लिख दिया है, यानी अब मेरे पास 48 ताश के पत्ते बच गए हैं। ये टोटली लकी गेम है फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ लक का काम है। तो गेम खेलने से पहले आपसे एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए गेम अब खेलते हैं। तो टाइम तो है नहीं, लकी गेम है, तो हमें क्या करना है कि इस गेम को 1x1 मेंबर खेलेंगे और जो होस्ट होगा इसको अच्छे से सफल करके और दे देगा, और जो मेंबर होगा वो हर जगह 12-12 पत्ते रखता जाएगा गिन के 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमने यहाँ पे 12 रख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए हमने चारों जगह 12-12 पत्ते रख दिए हैं। अब ये मेरा लक है कि मैं एक उठा के देखती हूँ कि इसमें से कितने पॉइंट मुझे मिले हैं। तो देखिए पहला ही मिल गया, 1 2 3, सब मेरे बेकार हैं, ये मेरे किसी काम के नहीं। तो ये वाले में हमें देखिए 3 पॉइंट मिला। अब इसमें देखते हैं, यानी इसे मैच करते होना चाहिए। ये भी नहीं है, 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 ये भी नहीं है। ये देखिए एक आया, ये भी नहीं है, यानी इसमें हमारे 2 बार। अब इसमें देखते हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 1 2, इसमें भी 2 मिला है। टोटली लकी गेम है फ्रेंड्स, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये है। अब हमारे पॉइंट देखते हैं कितना बना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये तो लक के ऊपर है। और होस्ट चाहे तो इस पत्तों को भी इधर उधर कर सकता है, क्योंकि खेलने वाले बहुत होशियार होते हैं। सफल करने के बाद भी वो बाद में धीरे धीरे वो एक सा हो जाता है। तो होस्ट क्या करे कि इस वाले पत्ते को, इसलिए इसको चिपकाना नहीं है, आप ऐसे रख दीजिए, इधर उधर रख दें ताकि जिसमें रिजल्ट अच्छे से आ सके। तो मेरा तो 9 पॉइंट बना है, आप बहुत ज़्यादा बनाएं और इस गेम को खेलें, एंजॉय करें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।